नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं पंचायत सहायकों के बारे में, बहुत बड़ी खबर को लेकर। जी हां दोस्तों, पंचायत सहायकों के वो तीन काम कौन से हैं जिसको पंचायत सहायक बखूबी कर रहे हैं, या अगर नहीं कर रहे हैं तो वो तीन काम आप करना शुरू कर दीजिए और पूरे ध्यान से, पूरे जोश और जुनून से वो काम कीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, एटा जिला और एक जिले से कई पंचायत सहायकों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं उन सबसे बड़ी दो खबरों के बारे में बता देता हूं। नंबर एक, सबसे पहला काम है सरकार के द्वारा जो भी शासनादेश, आपके जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा जो भी शासनादेश जारी किया जाए, उस शासनादेश का आप 100% तल्लीनता से पालन कीजिए। क्या आपको नहीं पता है कि आपने एक प्रमाण पत्र दिया है? कई सारे भाई बहन इस तरीके का सवाल पूछते रहते हैं कि सर, मैं पंचायत सहायक हूँ, क्या मैं रेगुलर कोर्स कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपने अलग हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कैसे आपको अनुशासन में रहना और कैसे आपको सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। तो दोस्तों, जैसा कि सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र ना है तो दोस्तों जैसा कि सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र आपसे एक शपथ पत्र बनवाया गया, एफिडेविट पर, स्टाम्प पेपर पर बनवाया गया है, तो उसका आप लिहाज कीजिए और उसको ध्यान में रखकर आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाइए ताकि आने वाले समय में आपको समस्या का सामना करना पड़े। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल में एक पंचायत सहायक के द्वारा स्वेच्छा से रेजिग्नेशन दिया गया है। अत्यधिक काम मिलने से परेशान होकर पंचायत सहायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो पंचायत सहायक अभ्यर्थी अपना स्नातक की पढ़ाई जारी रखने जा रहा है। यह है कि शपथकर्ता की नियुक्ति पंचायत सहायक अकाउंट इनकम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हुई थी। धारा एक, धारा दो, यह कि शपथकर्ता अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता और शपथकर्ता ने विश्वविद्यालय में दिनांक 3 जनवरी 2022 में प्रवेश ले लिया है, इसलिए शपथकर्ता पंचायत सहायक अकाउंट इनकम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद से अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से दे रहा है। एक एवं शपथकर्ता का उक्त पद से त्याग पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। शपथी का नाम और उसके नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाम्प लगेगा जिन्होंने ये शपथ पत्र या जिन्होंने ये रेजिग्नेशन पत्र लिया है। तो दोस्तों, ये नौबत ना नहीं पड़े, हालांकि इन्होंने स्वेच्छा से लिया है। अगर आप पंचायत सहायक के पद पर बने रहना चाहते हैं और भविष्य में आप इसमें अपनी संभावनाओं को तलाशते हैं तो आप यकीन मानिए पूरे पूरे जोश और जुनून से लग जाइए ताकि आने वाले समय में आप भी सरकार के एक अस्थायी कर्मचारी हो सके। दोस्तों, कई जगह पर पंचायत सहायकों का वेतन भी रोका गया है। उसके रोकने का एक खास वजह यह है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये सूचना है बड़गांव की। बड़गांव में 1,75,000 रुपए की संपूर्ण धनराशि व्यय होने के बाद भी पंचायत घर में कंप्यूटर, इंटरनेट व्यवस्था, सोलर पैनल, डबल बैटरी इन्वर्टर, मल्टीपर्पज प्रिंटर एवं वेबकैम, सीसीटीवी कैमरा एवं सहवर्ती उपकरण, अलमारी, रैक, कार्यालय हेतु फर्नीचर आदि मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपके जिला पंचायत राज अधिकारी एडीओ पंचायत उसका दौरा करेंगे, उस ग्राम पंचायत सचिवालय का, अगर उसमें सरकार द्वारा दिए गए राशि लगभग जो 2.25 लाख रुपए दिया गया था उसका उपयोग ना करते हुए वहां पर कुछ चीजें नहीं मौजूद हैं तो आपका वेतन क्यों नहीं रोका जाएगा? आप भी एक जिम्मेदार कर्मचारी हैं सरकार के, आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप अपने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव प्रधान और जिला पंचायत राज अधिकारी को जरूर इन सभी चीजों से अवगत कराइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा और इस वीडियो का बनाने का जो मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप अपनी कार्रवाई, अपना काम बिल्कुल तल्लीनता से, अनुशासन में रहकर सरकार द्वारा दिए गए शासनादेश के मुताबिक काम करें। बस आपके सिर्फ तीन काम है। नंबर एक, कोरोना वायरस के तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन करवाना, कोरोना टीकाकरण करवाना। नंबर दो, जनमित रजिस्टर को मेंटेन करना। नंबर तीन जो है वो सबसे बेहतरीन है, निर्वाचन आयोग में जहाँ आपकी ड्यूटी लग रही वीडियोग्राफी को लेकर, उस काम को भी आप लोग
काफी तल्लीनता से करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं, निवेदन करते हैं चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो के अंदर दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।